जय हिंद, नमस्कार मेरे सहचरणियों। काफी बच्चे, जैसे ही मैंने कल कटऑफ वाला वीडियो बनाया था उसके बाद से और उससे पहले भी काफी बच्चे जो कमेंट कर रहे थे बार बार कि सर आपके अकेडमी के जो बच्चे आ रहे हैं उनका रिस्पांस कैसा है, वो क्या बता रहे हैं, कितने क्वेश्चन उन्होंने एसएससी जीडी में अभी पेपर में किए हैं, या उस तरह आप क्या मानते हो कितने क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं। देखो, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कितने सही हुए या कितने गलत हुए, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि बच्चे जो बता रहे हैं कि मैक्सिमम किसने कितने अटेंड किए, तो इससे होगा ये कि जो भी बच्चे जैसे आप पेपर देते हैं तो आपको भी ये हो जाएगा कि हाँ मैंने जो किए वो सही किए या नहीं किया, या मैंने बहुत कम किए हैं या मैंने बहुत ज्यादा कर दिए हैं, या मेरा भी ठीक लेवल है वो बता रहा हूँ। लगभग 100 बच्चों के आधार पर लगभग एसएससी जीडी का 100 बच्चों ने अकेडमी में से पेपर दे दिया, तो अगर उन बच्चों का आधार मानूं मैं तो उनमें से ज्यादातर बच्चों ने कितने अटेंड किए, मैं आपको बताऊं 100 में से अराउंड 20 के लगभग बच्चे हैं, 20 से 25 बच्चे हैं, ठीक है, 20 से 25 बच्चे हैं जिन्होंने आके ये बोला था कि हमने 66, 67 या 68 मैक्सिमम 69 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। ये सिर्फ कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे के आसपास 100 में से जिन्होंने ये बोला है, यानी जो 66 से प्लस जिन्होंने किए हैं, मेरा कहने का मतलब ये अटेंड किए हैं, ठीक है। साथ में इनमें से हर एक बच्चे ने ये कहा कि हो सकता है कि हमारे 3 से 4 क्वेश्चन गलत भी हो, ये भी हर बच्चे ने बोला है, ध्यान रखना। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरिट कितनी जा सकती है, फिजिकली अपने नंबर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अकेडमी में भी जो बच्चे हैं वो भी तैयारी जम के कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने की है, उनकी भी जम के पिछले 3 महीने से दबा के तैयारी चल रही थी, उसके बाद में उनकी स्कोरिंग ये है, तो आपकी जो स्कोरिंग हुई वो भी अच्छी है या नहीं आप जान सकते, ठीक है। हम कभी भी ऐसा नहीं बताएंगे कि अभी वीडियो के लिए आपको बता दूं मेरे को 100 बच्चों ने 60 प्लस क्वेश्चन किए हैं या 70 किए हैं, बाद में रिजल्ट आएगा उस दिन क्या बोलूं। तो ये ईमानदारी से है, क्योंकि वो बच्चे चाहे आप हमारे पास यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, दोनों में हम ज्यादा फर्क नहीं समझता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझता, क्योंकि आप सबका भी मेरा परिवार है और ऑफलाइन जो बच्चे हैं वो भी मेरा परिवार है, तो झूठ किधर ही नहीं, उन्होंने जो बताया मैं आपको समझे, और आप जो कमेंट्स में बता रहे वो भी मैं देखता हूँ, तो आप भी अपने नंबर कमेंट्स में बताइए, जिस प्रकार से मैं आपके साथ लॉगिन हूँ आप भी मेरे साथ लॉगिन रखिए, ताकि हम आसानी से पता कर सके कि हमारा स्तर कहाँ, ठीक है। अब अगले 20 से 25 जो बच्चे हैं इनमें वो बच्चे हैं जिन्होंने 55 से प्लस क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक किए जाएगा, यानी इन्होंने वो बच्चे हैं जो कोई बोल रहा है मैंने 56 किए, कोई बोल रहा है 57 किए, या कोई बोल रहा है कि हमने 60 किए, लेकिन हाँ सर हमारा कुल मिला के 55 क्वेश्चन तो सही है ही है, ठीक है, एवरेज उतार हूं। अब आपने कितने किए वो आप देख लीजिए। अब इसके अलावा जो 50 बच्चे हैं, ये सारे के सारे जो बच्चे हैं ये 50 से लेकर और 55 के बीच में जिन्होंने क्वेश्चन किए, ना कि सही किए, ना रहना जिन्होंने क्वेश्चन किए हैं, और इनका सही का जो मेरा अनुमान है मुझे लगता है कि औसत हर एक बच्चे ने 48 के आसपास क्वेश्चन ही सही किया। अब आप ये बोलोगे सर इतना लो रिजल्ट कैसे अकेडमी का, इतने कम कैसे किए, क्योंकि इनमें से ज्यादातर बच्चे वो है जो सिर्फ हमारे पास में 2 महीना ही रहे, तो 2 महीने में नौकरी नहीं लगती। ये जो बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जो पिछले 1 साल से गारंटी बेच में तैयारी कर, जो हमारा बेच है एसएससी जीडी का, जैसे पिछली बार भी हमने तय किया था, ये वही बच्चे हैं जो रिजल्ट बनाते हैं। अभी भी हम क्या करें एसएससी जीडी 2023-24 के बेच 15 फरवरी से शुरू कर रहे हैं, यानी 1 साल तक हम एसएससी जीडी की तैयारी कराएंगे, तो उसमें भी सिलेक्शन कोई रोक सकता नहीं। तो जैसे ये बच्चे हैं तो इनके जैसे मैंने बोला कि 3-4 क्वेश्चन गलत है, इनकी एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा मानता हूँ, क्यों मानता हूँ क्योंकि इनमें ज्यादातर वही बच्चे हैं जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं अकेडमी, तो इनका हमको भी उम्मीद थी कि 65 प्लस क्वेश्चन इनके सही होंगे और इनका परिणाम भी वैसा ही आया, ठीक है। ये जो बच्चे हैं इनमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नॉर्थ ईस्ट या ऐसे स्टेटों से बिलोंग करते हैं या कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, तो इनका इस नंबर पे भी काम बन जाएगा, जैसे पश्चिम बंगाल के भी कुछ बच्चे हैं इसमें, छत्तीसगढ़ के भी कुछ बच्चे हैं, उड़ीसा के भी है, झारखंड के भी है, मिजोरम मणिपुर के भी बच्चे हैं इसमें, तो इन बच्चों की ये स्कोरिंग भी अच्छी रहेगी, ठीक है। इसमें जितने भी बच्चे हैं मैं आपको बता दूं केवल 3 स्टेट से हैं, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और बिहार, 4 स्टेट के बच्चे हैं इनमें, ऊपर वाले जो 20 बच्चे हैं और इनमें सिर्फ 3-4 स्टेट के ही बच्चे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम 60 से नीचे अगर हम करते हैं स्कोर तो हमारा कोई चांस ही नहीं बनता नौकरी का, इसलिए इन्होंने इतने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अब सही कितने हैं सर इनके, गलत कितने हैं, तो मुझे तो आके कोई ये नहीं बोला अभी तक कि सर हमारे 10 गलत, नहीं, हाँ ये जरूर बोला कि हमने सर
सात आठ क्वेश्चन पे कंफ्यूजन थे, उनको करके आए तो उनमें से दो तीन सही हो जाएंगे, दो तीन गलत हो जाएंगे। ये किसी ने आगे नहीं बोला कि गलत हमारे दस। अब ये बोलोगे सर फिर उनके गलत नहीं है, गलत है बोले नहीं होंगे लेकिन गलत निकलेगी। लेकिन हाँ इन दोनों वर्ग है जो लगभग ये पचास बच्चे इनमें नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चे काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं, ईमानदार से बताएंगे इनका जो भी स्कोर है वो। अब मैं आपको बोलूं इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा लड़कियां हैं, 20 तो कम से कम लड़कियां हैं, ये ध्यान रखना, इन 50 बच्चों में लड़कियां ज्यादा है। यानी लड़कियों का औसत एवरेज जो भी मेरे पास में जितने अकेडमी बच्चे हैं उनमें से मैक्सिमम किसी लड़की ने अटेंड किए हैं तो वो किए हैं 62 शायद, एक लड़की ने बोला था हमने 62, बाकी सारी की सारी लड़कियां 50 से 60 के बीच में इंक्रिप्शन अटेंड करके आ रही है। अब इनका रिजल्ट क्या रहेगा वो तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, बाकी अटेंड इतने ही करके आ रही है क्योंकि मैथ के क्वेश्चन सबसे ज्यादा लड़कियां ही छोड़ के आ रही है अभी तक के रिजल्ट के अनुसार, जबकि तैयारी दोनों की बराबर हो रही है लेकिन लड़कियों की मैथ कमजोर होती है इसलिए मैथ के क्वेश्चन कब छोड़ के आ रही है। अब आप अपने बताइए देखें आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए और आपको क्या लगता है आपके सही कितने, ये कमेंट में लिख के भेजें।